अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच स्पोर्ट। तो आज मैं बताऊंगा, आज पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हो सकता है आज के दिन। और हमें पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान टीम की और पाकिस्तान के टॉप फोर बैटिंग की एशिया कप में क्या किए हैं। तो चलिए, आसिफ अली ने पूरे एशिया कप में 41 रन बनाए, 41 रन। खुशदिल शाह ने पूरे एशिया कप में 58 रन। फ़खर जमान ने 96 रन बनाए और इफ्तिकार अहमद 105 रन। तो ये हमारे चार जो बैट्समैन हैं, और ये इनकी परफॉर्मेंस क्या है आप खुद जानते हैं, एशिया कप में कैसे खेले। और पाकिस्तान टीम बहुत बुरा खेला, और कल शर्जील खान ने शानदार सेंचुरी मारा, 60 बॉल पे 100 रन बनाया नेशनल T20 में, और अपनी टीम को जिता दिया। तो हमें शर्जील खान चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो तेज़ खेलते हैं। और रिजवान बाबर को ओपनिंग नहीं करना चाहिए T20 में, क्योंकि बहुत स्लो खेलते हैं लोग दोनों। और बात किए तो बाबर के, बाबर 1 विकेट बाद उतरता है, 1 विकेट के बाद ही उतरे वो, और रिजवान को 2-3 विकेट बाद उतारे। और ओपनिंग शर्जील खान को करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़बरदस्त फॉर्म में है और वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में भी सेंचुरी करके आए, नेशनल T20 में कल मार दिए हैं। तो ज़बरदस्त प्लेयर है शर्जील खान, उनको भी टीम में लेना चाहिए, और शुएब मलिक को भी। और देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कौन सा स्क्वाड उतारता है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।